माने सुरेश जी, एक क्वेश्चन आया है हमारे जर्नलिस्ट पत्रकार मित्र से. इज संस्कृति डायनेमिक और कांस्टेंट? शैल वी एक्सेप्ट न्यू ट्रेंड्स अब्सॉर्ब इन संस्कृति? इफ यस, व्हाट कैन बी अब्सॉर्ब्ड एंड व्हाट नॉट? एनी यार्डस्टिक वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू एलिमेंट्स इन कल्चर? और इज इट डायनेमिक और इज इट कांस्टेंट? जहां तक डायनामिक है, इसमें कोई दो मत नहीं. भारत में बहुत प्यार आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता. एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड थॉट्स कम्स आना चाहिए. जहां तक चेंजिंग यार अनचेंजिंग, स्वामी रंगनाथानंद रामकृष्ण मिशन के उनके बहुत लेक्चर्स थे, तो उसका हेडिंग ही था इटर्नल वैल्यूज इन चेंजिंग सोसाइटी. सम फंडामेंटल्स अनचेंजिंग है, जैसे कहा वननेस है, ये अनचेंजिंग है. लेकिन युग के अनुसार और स्टाइल बदलती है, वेशभूषाएं बदलती हैं, कई लैंग्वेजेस चली जाती हैं, कई लैंग्वेजेस आती हैं. तो मुझे लगता है कि यार्डस्टिक में यही एक सिंपल बात है कि जो बेसिक इटर्नल वैल्यूज हैं वो अनचेंजिंग है, उसको हम अगर पकड़ते हैं और उसके आधार पर काल और समय के अनुसार चेंजिंग चीज़ें करते हैं, तो उसमें से, और जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि युगानुकूल परिवर्तन, दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत अच्छा वाक्य बोलते थे. वो कहते थे कि जो विश्व में और इन्वेंशन हुए हैं उनको हम देशानुकूल कर लें, और अपने देश का जो प्राचीन है उसको युगानुकूल करके लें. जो हमारा ओल्ड है उसको आज की आवश्यकता और उसके अनुसार हम उसको मैनिफेस्ट करें, और जो बाहर का है उसको हमारा जो एक 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 स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हम लें. मुझे लगता है कि इसको अगर हम लेकर चलेंगे तो कांस्टेंट और डायनामिक, ये दोनों चीज़ों के अंदर कोई आपस के अंदर और कॉन्ट्रास्ट ऐसी बात नहीं आएगी.